तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम में। तो आज जो है हम लोग क्लास टेंथ का दूसरा जो है पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है, हमें प्रूव करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले कल एक प्रमेय बताया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका उपयोग करना होगा, ठीक है। तो उसको जो है मैं आशा करता हूँ आपको याद होगा। क्या बताया था मैंने, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसको हम लोग शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहां ए क्या है, भाज्य है, बी क्यू भाजक और भागफल है, प्लस आर जो है हमारा शेषफल है। इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक जो है इसके रूप में होता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना विषम पूर्णांक, माना विषम पूर्णांक इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है। कोई विषम पूर्णांक हम लोग ए मान लेते हैं, और इसका जो भाजक है, भाजक इसको 6 मान लेते हैं। क्यों हमने भाजक को 6 क्यों माना, क्योंकि देख लीजिए, यहाँ आपका 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये जो है इसके रूप में है, और ये क्या है, बी जो हमारा भाजक है उसी के स्थान पर हमारा 6 है, तो इसीलिए हम लोग भाजक क्या मान लेते हैं, 6। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ जिसको बहुत ज़रूरी है, तो आप समझ लीजिए इसको। मान लीजिए कोई विषम पूर्णांक है ए है, इसको भाग देते हैं हम लोग भाजक से यानी 6 से, तो कोई भागफल आएगा, मान लीजिए भागफल क्यू है, फिर कोई शेषफल भी आएगा, मान लीजिए शेषफल आर है, ठीक है दोस्तों। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो वही चीज़ लिखा है, 6 ये हमारा भाजक है, ये है भाज्य, और ये जो है भागफल, ये हमारा शेषफल है। तो यहाँ आर, ये चीज़ समझने वाली बात है कि आर का जो वैल्यू होगा यानी शेषफल जो होगा हमेशा जो है भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, यानी आर का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा। यानी 6 से छोटा क्या हो सकता है, हमारा आर का वैल्यू हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, 6 से छोटा कोई भी संख्या हो सकता है। तो अब देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग का यहाँ देख रखा है कि 6 जो है ए इक्वल टू 6q+r है, ए इक्वल टू 6q+r। यहाँ देखिए 6q मैंने इसलिए किया है कि 6 जो है यहाँ क्या है, भाजक है। अब देखिए r का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, यहाँ r का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, a का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा, क्योंकि 0 6q आ जाएगा। फिर अगर हम लोग r का वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, r का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6q+1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ r का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6q+2 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ अगर हम लोग r का वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहाँ a इक्वल टू 6q+3 हो जाएगी, इसी तरह a इक्वल टू 6q+4 होगा, फिर a इक्वल टू 6q+ जो है
5 होगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ मैंने r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पुट किया तो ये जो हमारी निकल के आई। अब इसको समझिएगा, इसमें से ये जो संख्या निकल कर आई हमारी 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3 ये जो पूर्णांक निकल कर आया है हमारा, तो इसमें से दो से कौन सी संख्या, दो से जो है कौन सा पूर्णांक विभाजित है, दो से कौन सा विभाजित है? तो इसको अगर दो से विभाजित करते हम लोग ये 6q को, तो 6q/2 होगा, तो दो से काटेंगे तो 3q हो जाएगा, ये विभाजित होगी। लेकिन ये जो संख्या है ये हमारी विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो ये तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन यहाँ जब करेंगे तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 से विभाजित नहीं होगी। इसको अगर विभाजित करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 6q/2 और इसको अलग अलग कर देते हैं +2/2, 200 दोनों को विभाजित कर दिए तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 3q+1। फिर ये हमारा विभाजित नहीं हो सकता, ये चीज़ हमारा विभाजित नहीं हो सकता। फिर ये क्योंकि देखिए 6q इसको अलग अलग करेंगे तो 6q तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो होगा 3/2 आ जाएगा। इसको विभाजित करते हैं तो ये विभाजित हो जाएगा, विभाजित करने पर क्या आएगा हमारा 3q+2। फिर इसको देखिए ये फिर हमारा जो है विभाजित नहीं होगा। यहाँ तक समझे होंगे आप कि r का वैल्यू मैंने पुट किया, उसके बाद जो है दो से विभाजित किया। दो से क्यों विभाजित करते हैं? क्योंकि हमें बताया गया है कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है, इसी को हमको प्रूव करना है। तो विषम पूर्णांक जो होता है इसी के लिए हमें जो है दो से भाग दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये जो है आपका परीक्षा में इसको नहीं करना है, इसको मैंने आपको समझाने के लिए बस आपको बता दिया, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने माना विषम पूर्णांक ए मान लिया है, ठीक है, जिसमें भाजक जो है 6 है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों करना क्या है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a=bq+r होता है। तो यहाँ देखिए a=b की जगह 6 है और q+r, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, a=6q+r है, ठीक है। अब देखिए r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? मैंने आपको यहाँ बताया कि r जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, यानी शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा। यानी यहाँ भाजक 6 है तो इससे छोटा होगा, यानी r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकते हैं, ठीक है। r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ r का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, जिस तरह यहाँ मैंने पुट किया है, r का वैल्यू क्या पुट किया है, 0, तो उसी तरह r का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो a=2 क्या होगा, 6q, a=6q होगा, क्योंकि r का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो 0 तो ख़त्म, यानी बचेगा क्या, a=6q। अगर यहाँ r का वैल्यू यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अगर r का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, r का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारा, a=6q+1, तो a=2 क्या होगा, 6q+1 होगा। इसी तरह अगर हम लोग r का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, 6q+2 होगा। इसी तरह a का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 6q+3 होगा, और r का वैल्यू अगर हम लोग 4 पुट करते हैं तो क्या होगा, 6q+4। इसी तरह अगर r का वैल्यू हम लोग 5 पुट करते हैं तो क्या होगा, a=2 या इस तरह आप लिख दीजिए, r का वैल्यू 1, यहाँ r का वैल्यू जो है कितना पुट किए हैं, 2,
यहाँ आर का वैल्यू जो है 3 और यहाँ जो है आर का वैल्यू 4 पुट किए हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आर का वैल्यू 1 पुट किया तो हमारा ये आया है, आर का वैल्यू 2 पुट किए हैं तो ये आया है, आर का वैल्यू अगर 3 पुट किए हैं तो ये आया है, और आर का वैल्यू 4 पुट किए हैं तो 60+4 आया है। यहीं अगर आर का वैल्यू हम लोग 5 पुट करते हैं तो क्या आएगा, a=6³+5 आएगा। जब हम लोग आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये जो है रफ है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, आंसर सॉल्यूशन जो है ये है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, आपको एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, जो इधर में लिखा हूँ इसी को आपको समझना है, इसी को लिखना है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि आर का वैल्यू जब हमने संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। आर का वैल्यू जब हम ए 0 पुट करते हैं तो हमारा 6Q आता है, जब आर का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं तो ए का वैल्यू क्या आता है, 6Q+1, इस तरह से जो है हमारा आता है। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो ये है जब 0 पुट करते हैं तो यहाँ 6Q आता है, और ये जो है 2 से विभाज्य है, ये जो है 2 से विभाज्य पूरी तरह से, जबकि ये विभाज्य हमारा नहीं है, ये भी विभाज्य है, ये हमारा नहीं होगा, और ये जो है विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि 6Q+2, 6Q+4 में 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड है। ठीक है, 6Q+2, 6Q+4 में जो है 2 का गुणनखंड है, यानी इसमें जो है 2 का गुणनखंड है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएंगे ये सभी संख्या। ठीक है, 6Q+2, 6Q+4 ये जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। मैंने आपको बता के दिखाया कि 2 से जो है ये विभाजित हो जा रहे थे, जबकि जो विषम पूर्णांक है जैसे 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 में 2 का गुणनखंड नहीं है, इसमें जो है 2 का गुणनखंड है, जबकि इसमें जो है 2 का गुणनखंड नहीं है, इसीलिए जो है जो विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+ या 6Q+1 के रूप में होता है। ठीक है, विषम पूर्णांक जो होता है हमारा, इसी को हमको प्रूव करने के दिखाना था। तो अब लिख सकते हैं, अतः 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 जो है दशाई की विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होता है, ये जो है विषम पूर्णांक होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ठीक तरीके से, समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।